सुप्रभात बच्चे, आज क्लास टू का हिंदी प्रथम पाठ पढ़ेंगे। भारत की ध्वज उड़ाएंगे, शीर्षक है भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा का मतलब क्या होता है? ध्वजा का मतलब है झंडा, और भारत की झंडा का मतलब है तिरंगा झंडा, तीन रंगों वाली झंडा जिसके ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, सबसे नीचे हरा और बीच में चक्र रहता है, वह झंडा उड़ाएंगे। और पहले हम गाएंगे क्या? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वज उड़ाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं और नादान भी है, उम्र के कच्चे हैं, लेकिन हम अपने धुन में सच्चे हैं। जो मेरे मन में धुन होता है भारत माँ के सेवा करने के लिए, खूब लगन से पढ़ने के लिए, पढ़ कर करके वैज्ञानिक बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, तो उस धुन में हम सच्चे हैं। और जननी मतलब माता, जन्मभूमि को जय जय गाएंगे, अपने भारत माँ के जय जय गाएंगे। जननी मतलब माता, और यहाँ माता का मतलब भारत माँ का जय जय गाएंगे, उनके जयकार करेंगे और भारत के ध्वज उड़ाएंगे, है ना, भारत के झंडे उड़ाएंगे, तिरंगे झंडे को उड़ाएंगे। आगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वज उड़ाएंगे। वाह, कौन लिखे हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी। क्या है? हम अपना पथ न छोड़ेंगे, जो हम अच्छे पथ, अच्छे रास्ता, जो मंजिल को पाने के लिए जो मैं अपनाया, जिस रास्ते पर चलने के लिए मैं शुरू किया, वो रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह रास्ता जगत कल्याण के लिए है, भारत कल्याण के लिए है, लोगों को कल्याण के लिए है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपना प्राण कभी नहीं तोड़ेंगे, जो मेरे प्रतिज्ञा है ना, उस प्राण को कभी हम तोड़ेंगे नहीं, प्रतिज्ञा को, वचन से हम बंधे हुए हैं, उसको नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, है ना, हमेशा हिम्मत बनाए हुए रखेंगे, चाहे वो जो भी मुसीबत आए, क्योंकि कोई भी हम अच्छे काम करते हैं उसमें मुसीबत आती है। आप पढ़ते हैं तो समय से उठना पड़ता है, समय से जगना पड़ता है, है ना, याद करना पड़ता है, और जब याद कर लेंगे तब आप महान आदमी बन जाएंगे, और जिस दिन महान आदमी बनेंगे तो आपको गांधी जी जैसे आपको लोग पूजा करेंगे, आपको सुभाष चंद्र बोस जैसे पूजा करेंगे, आपको श्री राम भगवान जैसे पूजे होंगे, पूजा किए जाएंगे। तो वही कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे हिमगिर पर, पर्वत पर, बर्फ वाले पर्वत पर
हमको चढ़ना पड़े, मैंने बर्फ के पहाड़ पर भी क्यों न